देखेंगे अब त्रिभुज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपको दिया हुआ है त्रिभुज का आधार जो है 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर दी हुई है। हमको क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज बनता कैसे है मैंने आपको बताया, ये A, B, C, ठीक है। मतलब आपको आधार दी हुई है यहाँ पर बेस 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है मतलब ये आपको हाइट दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, फिर क्या होगा, 1/2 इंटू बेस आपको कितनी दी हुई है 28 सेंटीमीटर, तो 28 सेंटीमीटर इंटू हाइट दी हुई आपको 6 सेंटीमीटर। ठीक, हमने लिखते 6 सेंटीमीटर। अब ये दो जो है, ये 6 जो है 2 से 3 बार में कट जाएगा, तो हमने काट दिया 3 बार में। अब ये 3 रखे 24 की 4, ठीक, बचा कितना 2, ये हो गया 3 × 6 = 8, ये हो गया 84, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, उसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है जिसमें दिया होगा आपको त्रिभुज का आधार जो है कितना दिया है, 120 डेसीमीटर, ऊंचाई दी हुई है 75 डेसीमीटर और क्षेत्रफल आपको पता नहीं है। ठीक, हमको क्षेत्रफल मतलब क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता क्या है, इसका फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई। ये हो गया 1/2 इंटू बेस कितना दिया हुआ आपको 120 डेसीमीटर इंटू हाइट कितनी दी हुई है 75 डेसीमीटर, ये भी दिया हुआ है 75 डेसीमीटर। अब ये कितने बार में कर दिया, 2 × 2 2 × 6 = 12 2 × 0 = 0। ठीक है, ये फिर कितना हो जाएगा, इसको और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे 60 × 75 तो आपको मिलेगा 4500। ठीक है, 4500 ये डेसीमीटर और डेसीमीटर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर। यही हमारा आंसर, मतलब यही आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मिला 4500 डेसीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपका आंसर। बस इसी तरह सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम इस अगला क्वेश्चन देखेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, फिर मैं आपको बताऊंगी ये कितना कैसे है। उसमें दिया हुआ है सम चतुर्भुज की एक भुजा बराबर है आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई दी हुई आपको 3.2 सेंटीमीटर। एक भुजा को सम चतुर्भुज हम बनाएंगे कैसे, एक भुजा बोल रहे हैं मतलब ये 7 सेंटीमीटर। ठीक, नाम दिया हमने, चलो ए बी सी डी, और ऊंचाई आपको बोल दिया यहाँ पे हाइट 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक भुजा बोल रहे इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब ये बेस बोल रहा है। ठीक है, ये बेस इसको हमने मान लिया 7 सेंटीमीटर, ये हो गए 7 सेंटीमीटर। ठीक, हमको निकालना है क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, ये होता है आधार गुना ऊंचाई, तो यहाँ पर आधार आपको दिया हुआ है कितना 7। ठीक है, 7 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई दिया हुआ है आपको 3.2 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे, 7 × 3.2 कितना होगा आपको, ये होगा 22.4। यहाँ पर पॉइंट हम लोगों ने कैसे लगाया है, यहाँ पर एक अंक के बाद में दशमलव है, इसलिए हमने ये अंक छोड़ करके एक अंक छोड़ करके दशमलव यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
अब हम देखेंगे समलंब चतुर्भुज के कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। बोला दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है, ये तो एक क्वेश्चन है, मैं आपको सूत्र बता देती हूँ, आप लोग देखिए ना इसको याद ही रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये होता है 1/2 बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन देखते हैं हम, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं जैसे B1 इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 25 मीटर और B2 आपको दी हुई है 20 मीटर, ठीक है, और हाइट ऊंचाई दी हुई है आपको 8 मीटर। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हम इसमें फॉर्मूला ये लगाएंगे, ये वाला समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 × B1 + B2 × H, ठीक है। यहाँ पर B1 आपको दिया हुआ है 25 मीटर, B2 दी हुई आपको 20 मीटर, ठीक है, × H दिया हुआ आपको 8, ठीक। अब कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं करेंगे, बस वैसे ही जैसे होता है क्वेश्चन, 1/2 × ये है हो जाएगा आपका 45 + 20 हो जाएगा आपका 45 मीटर, ठीक है, और आपको H जो है 8 मीटर दी हुई है, 8 मीटर ले लिया, ये हो जाएगा 2 × 2, ये 4 वन में कटेगा 8 जो है ये हो जाएगा 2 × 8, ठीक है, ये हो जाएगा 45 को 4 से गुणा करेंगे कितना बचेगा 180, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये मीटर दोनों को हमने गुणा कर दिया, ये हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है, यही आपका समलंब चतुर्भुज का आंसर है ना, यही आपको आंसर का पूछ लिया।